जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम नगर के प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोगों का टॉपिक है छठी शताब्दी ईसा पूर्व का धार्मिक आंदोलन। और इस धार्मिक आंदोलन में जितने भी पिछले 10 से 12 15 सालों में जितने क्वेश्चन बन चुके हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे एक ही वीडियो में सारे क्वेश्चन। और शुरू करते हैं सबसे आसान लेकिन 2010 में पूछे गए यूपीपीसीएस के लिए क्वेश्चन था, जैन धर्म के संस्थापक कौन? तो सभी को पता है ऋषभदेव। और जैन धर्म से में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? तो कैवल्य। यह पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है जैन धर्म में। और अगर हम बात करें कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है, तो बिल्कुल ऋषभदेव को, जो कि जैन धर्म के संस्थापक भी हैं, इन्हीं को पहला तीर्थंकर माना जाता है। अब बात करें अगर कि पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं, तो पार्श्वनाथ वाराणसी से संबंधित है। 2016 के लिए क्वेश्चन था। यहाँ पर सूची है, सूची को मिलान करना है और सही कूट बताना है। तीर्थंकर और प्रतिमा लक्षण इनके ऋषभदेव, मल्लिनाथ, पार्श्वनाथ और संभवनाथ। तो भाई अगर हम बात करें सही आंसर की, तो सही आंसर होगा 1432। यानी ऋषभदेव ऋषभ और मल्लिका का क्या है भाई, मल्लिनाथ का फोर यानी जल कलश, पार्श्वनाथ का सर्प फण, पार्श्वनाथ का जो प्रतीक था सर्प का फण, और संभवनाथ का अश्व घोड़ा। 1432 सही कूट है। और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी, ये बात सबको पता है। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में। 2011 में पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान, कुंडल ग्राम। बिल्कुल सही आंसर है, कुंडल ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था 2005 में आया हुआ? तो वर्धमान इनका पूरा नाम था, वर्धमान। महावीर की माता का नाम त्रिशला, महावीर स्वामी के माता का नाम त्रिशला। 1999 में ये पूछा गया क्वेश्चन, यानी अपने पास पिछले 21 साल का ये क्वेश्चन है, 21-22 साल के भी क्वेश्चन अपने पास है। तो त्रिशला नाम था इनकी माता का नाम। और भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली इनका दामाद और पुत्री प्रियदर्शी का पति जमाली, बिल्कुल सही आंसर। और महावीर स्वामी का प्रतीक, वैसे जमाली जमाल कुछ भी कहें, जमाल उनके दामाद थे। प्रतीक सिंह था महावीर स्वामी का, प्रतीक क्या था वही सिंह। और महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय हुआ या ज्ञान प्राप्त हुआ? तो रिजुपालिका नदी के किनारे, रिजुपालिका नदी के किनारे। 2017 का ये क्वेश्चन है। मृत्यु कहाँ पर हुई? तो पावापुरी में। 2002 में बिहार के पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई। और बात करें त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, तो बिल्कुल यह जैन धर्म से संबंधित है, त्रिरत्न जैन धर्म में मिलेंगे। और स्यादवाद संबंध है जैन धर्म से, सही आंसर होगा। जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम। एसएससी 2018 के लिए क्वेश्चन, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस साहित्य में मिलता है? तो आचारांग सूत्र, आचारांग सूत्र साहित्य में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख मिलता है। और इसी क्रम में प्रथम जैन महासभा का उल्लेख आया है, कहां हुआ था आयोजन? तो पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सभा का आयोजन किया गया था। और प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्थूल भद्र ने प्रथम जैन सभा की अध्यक्षता की थी पाटलिपुत्र। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहां हुआ? तो बल्लभी में द्वितीय महासभा का आयोजन हुआ था जैन के। और यहां बौद्ध धर्म की बात करें, महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म कहां हुआ था, कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? लुम्बिनी। इस पर भी क्वेश्चन बन चुका है यूपीपीसीएस 2006 के लिए, लुम्बिनी में 563 में। और धात्री माँ मौसी कौन थी? तो महामाया इनको जन्म दी थी और महाप्रजापति गौतमी ने इनको पालन पोषण इनका किया था, क्योंकि 7 दिन बाद महामाया का देहांत हो गया था, तो महाप्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया था।
और गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो कोलीय वंश से संबंधित थी, कोलीय वंश से महात्मा बुद्ध की माँ संबंधित थी। और बुद्ध के जीवन का कि किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं? तो बिल्कुल गृह त्याग की घटना को, गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। और एनडीए 2007 के लिए महात्मा बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बिल्कुल सारनाथ में दिया था। पहला प्रवचन कहाँ दिया? सारनाथ में। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो सुभद्र, सुभद्र दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति था सुभद्र। अलार कलाम कौन थे? अलार कलाम कौन थे? तो बुद्ध के एक गुरु थे अलार कलाम। ध्यान देंगे कि महात्मा बुद्ध को आपको पता है कि गृह त्याग के 6 वर्ष के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 साल तक इन्होंने हर एक कर्म कांड से लेते हुए सब कुछ आजमा लिया जिससे ज्ञान की प्राप्ति हो। कहानियां आपको पता होंगी। तो उसी क्रम में महात्मा बुद्ध के एक गुरु मिले थे अलार कलाम, इनके सानिध्य में कुछ दिनों तक रहे। खैर, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना जाता है? बुद्ध के रूप में। बहुत ही आसान क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्माण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी, तो राजगृह, राजगीर के नाम से जिसे जाना जाता है, पहली संगति बिहार में आया हुआ क्वेश्चन। 563 में जन्म ईसापुर में और 483 ईसापुर में इनकी मृत्यु। महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसापुर में, बिल्कुल सही आंसर। और कुशीनगर बौद्धों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। किसकी? महात्मा बुद्ध की। 463 ईसापुर में कुशीनगर में ही इनकी मृत्यु हुई थी महात्मा बुद्ध की। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? तो बुद्ध धर्म और संघ। देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न थे सम्यक विचार सम्यक दर्शन, वैसे बुद्ध धर्म और संघ त्रिरत्न इसमें भी है। किस धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था? तो बौद्ध धर्मों के भिक्षुओं के लिए, बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहारों का निर्माण किया गया था। और ये बढ़ते हैं 35 पे। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बिल्कुल जैन धर्म की। वही 3 बातें जो अभी संघ, बौद्ध और एक देखा हम लोगों ने, त्रिपिटक, त्रिरत्न जैन में और त्रिपिटक बौद्ध धर्म में। बहुत खूबसूरत। अनात्मवाद सिद्धांत है बौद्ध दर्शन का। ध्यान देंगे कि CGPSC 2017 में छत्तीसगढ़ में पूछा गया अनात्मवाद सिद्धांत क्या है। तो जैन दर्शन बौद्ध दर्शन है, बौद्ध दर्शन दर्शन है। किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो अभिधम्म पिटक ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा, जिसमें सम्राट अशोक का विवरण मिलता है। और 38 आपसे कहता है प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था तो अजात शत्रु के शासन काल में, अजात शत्रु के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगत का। द्वितीय बौद्ध संगत का आयोजन किसके शासन काल में हुआ? तो काला शोक के शासन काल में हुआ। 1994 का क्वेश्चन, आज के लगभग 25 साल पहले आया हुआ क्वेश्चन, और पुराने क्वेश्चन आज के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तृतीय बौद्ध संगत की बात करें तो अशोक के शासन काल में 2005-04 के बिहार PSC में क्वेश्चन पूछा गया था ये अशोक के शासन काल में। तीसरा हुआ था और बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में है। ध्यान देंगे IAS 2017 के लिए क्वेश्चन था, तो अजंता में है, सही आंसर होगा। और ये आज के लिए आखिरी क्वेश्चन था। तो हम लोगों ने पिछले 25 से 26 साल 1995 तक देख लिया, तब से 2020 तक 2020 तक आए हुए क्वेश्चन को, जो कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के स्वतंत्रता धार्मिक आंदोलन से संबंधित थे, कुल 41 क्वेश्चन।
उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो, जैसा भी होगा फीडबैक जरूर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।